पतंग की डोर से घायल पक्षियों के लिए दिनांक 13, 14 व 15 जनवरी को एक चिकित्सा कैंप का आयोजन यहाँ 15 नंबर बस स्टैंड विद्यानगर पर किया गया है। इसमें आए हुए LSA की इस बारे में राय जानिए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ आने के बाद? अच्छा महसूस कर रहे हैं, पक्षियों की सहायता कर रहे हैं। किस प्रकार सहायता करना चाहते हैं? हम पक्षियों का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको और लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि पतंगों से कितनी इनकी पक्षियों की जान देने जा रही है। चाइनीज मांजे का उपयोग ना करें, हम यही कहना चाहते हैं। पिलवाड़ा से। पिलवाड़ा से ट्रीटमेंट करने आए हैं? मैं यहाँ LSA कर रहा हूँ। कौन सी कॉलेज से? MGRP कॉलेज से। सोडाला MGRP। कौन सा ईयर है आपका? सेकंड ईयर। आपका कौन सा ईयर है? सेकंड ईयर। कौन सी कॉलेज से हैं आप? MGRP कॉलेज से। आप कौन सी कॉलेज से हैं? MGRP कॉलेज से। आप ये पक्षियों का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसके बारे में कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बस चाइनीज मज्जों का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे पक्षी के पंख कट जाते हैं और उनको मुसीबत होती है, वो बोल नहीं सकते, बीमारी नहीं बता सकते, तो अपन को ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बहुत ही अच्छा। ये दिनांक 13 देखिए किस प्रकार से आप देख सकते हैं पिछले कैंपों में किस प्रकार तादाद में पक्षी आए थे, घायल पक्षी जिनको कि हमने अंत्येष्टि भी निकाली थी। आज खुशी की बात है कि 15 नंबर बस स्टैंड कैंप स्थल पर एक भी पक्षी नहीं आया। यह पब्लिक अवेयर हुई है, इसके लिए मैं पब्लिक को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यह 15 नंबर बस स्टैंड भी एक भी पक्षी घायल होकर नहीं आया।